हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एलएलपी दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और व्हाट आर इट्स फीचर्स इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो हेयर आई एम टू कवर दिस टॉपिक सो जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि मैंने इससे पहले भी बिजनेस लॉ की स्टैटिस्टिक्स की और कंपनी लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में डाल दूंगी तो आप वो सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और हां अगर आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरीज या मोटिवेशनल कोर्स देखना अच्छा लगता है तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अब एल जो है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये हमारी गवर्न हुई थी एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एट के अंडर जब एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एट आया तो उसके बाद जो है प्रेजेंट किया गया वो 12th December 2008 को किया गया हाउसेस में और जो ये एक्ट है ये बना तो 2008 में लेकिन ये एनफोर्स कब किया गया ये 31st मार्च 2009 को एनफोर्स किया गया और जब ये LLP एक्ट इन्फोर्स किया गया तब उस उस समय इस एक्ट में 81 सेक्शंस थे और फोर शेड्यूल्स थे ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है एलएलपी की अगर आपको एलएलपी का क्वेश्चन आता है तो आप ये इंट्रोडक्शन थोड़ी सी जरूर लिख के आइएगा ठीक है इसको छोड़िएगा नहीं अब आ जाओ एलएलपी एलएलपी होता क्या है जैसे इसको तो हम नाम से ही हमें पता चलता है कि क्या है ये एक पार्टनरशिप है जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है तो इसलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं अगर हम नॉर्मल पार्टनरशिप देखें ऑर्डिनरी पार्टनरशिप जो कि हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आती है उसमें हम सबको पता है कि जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है लेकिन ये जो एल है इसमें पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आई है एल एल पी इज अव फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी अब अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लिमिटेड क्या होता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है तो मैं आपको समझाती हूँ जो पुरानी हमारी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर गवर्न होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसका मतलब ये होता है कि अगर फर्म लॉस में चली गई और जब पेमेंट करने की बारी आती है सपोज अगर फर्म की लायबिलिटीज़ ज्यादा है एसेट से एसेट बिकने के बाद भी लाइबिलिटीज पूरी नहीं हुई अभी भी कुछ लाइबिलिटीज ऐसी हैं जिनको पे करना है तो अगर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो उस केस में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है फर्म की लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए तो वो होता है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यह होता है कि पार्टनर्स का उतना ही इंटरेस्ट होगा मींस उतनी ही लाइबिलिटी होगी फॉर्म में जितनी उन्होंने इन्वेस्ट करी है मींस अगर एलएलपी हमारी लॉस में जाती है तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी उस लॉस को कवर अप करने के लिए पार्टनर्स का उतनी ही लाइबिलिटी होगी जितनी उन्होंने इन्वेस्ट करा है उस एल में क्लियर तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया लिमिटेड क्या होता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो ज़्यादा सेफर ऑप्शन होता है क्योंकि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो बची रहती है तो जो एल है वो एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दो पार्टनरशिप और कंपनी से बना है इसने क्या करा एल ने एल में पार्टनरशिप की फीचर्स हैं और साथ के साथ कंपनी की फीचर्स हैं तो दोनों की अच्छी फीचर्स को कंबाइन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हम एलएलपी बोलते हैं अब वो कौन कौन सी फीचर्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एलएलपी अगर आपको एलिमेंट्स भी आता है तो भी उसमें यही सब कवर अप होगा ये थर्टीन फीचर्स है हम एक एक करके इसको रीड करेंगे फर्स्ट इज पार्टनर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एल एल पी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर हैज नॉट टू बी लेस देन टू किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए चाहे वो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है चाहे वो एल है कम से कम दो लोग होना जरूरी है तभी तो पार्टनरशिप कहलाएगी ना एक इंसान अगर होगा तो वो तो सोल ट्रेडर हो जाएगा ठीक है तो एल में क्या हुआ कि मिनिमम नंबर्स टू होने जरूरी है पार्टनर्स के और मैक्सिमम नंबर कितने भी पार्टनर हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट डिसाइड नहीं की गई एल एल में मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कितने भी हो सकते हैं लेकिन जो 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 हमने नॉर्मल पार्टनरशिप पार्टनरशिप ऑर्डिनरी है हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर गवर्न होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है जो कि फिफ्टी है ठीक है मतलब फिफ्टी से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते लेकिन एल ने ये वाली फीचर जो है वो कंपनी की उठाई है क्योंकि पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कोई लिमिट नहीं है क्लियर अब कौन कौन पार्टनर्स हो सकता है एलएलपी में इंडिविजुअल्स हो सकते हैं एलएलपी में पार्टनर्स या फिर कोई और एलएलपी दूसरी एलएलपी में भी पार्टनर हो सकती है या फिर कोई कंपनी भी एलएलपी की पार्टनर हो सकती है अब जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ है ठीक है वो खुद तो ऑपरेट नहीं कर सकती ना खुद तो काम नहीं कर सकती तो कंपनी को एक मेंबर को नॉमिनेट करना पड़ता है उस एलएलपी में काम करने के लिए ठीक है ना उस परपस के लिए उनको मेंबर नॉमिनेट करना पड़ता है तो कंपनी भी मेंबर हो सकती है किसकी एलएलपी की नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन देर इज नो प्रैक्टिस ऑफ शेयर कैपिटल इन एल एल पी जैसे कंपनी में शेयर कैपिटल का uh, होता है शेयर आप इश्यूज करते हो लेकिन एल एल पी में कोई प्रैक्टिस नहीं होती है शेयर कैपिटल की शेयर कैपिटल नहीं होता है उसमें लेकिन इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उन सबको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है एल एल पी में ठीक है ये जरूरी नहीं है आप कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि आपको कैश में ही लेके आना है आप कैश भी लेके आ सकते हो या फिर मूवेबल या इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स भी लेके आ सकते हो ठीक है ये पार्टनर्स पे डिपेंड करता है लेकिन उन सबको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है नेक्स्ट इज एल एल पी एग्रीमेंट जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर पार्टनरशिप डीड बनती है और वो कंपल्सरी नहीं होती है लेकिन एल एल पी में क्या होता है एल एल पी एग्रीमेंट बनता है ठीक है जो कि बहुत जरूरी होता है मस्ट होता है कंपलसरी होता है रिटर्न एग्रीमेंट इज मस्ट अमंग द पीपल इंटरेस्टेड इन इंस्टैब्लिशिंग एन एल ठीक है तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं एल बनाने के लिए एक रिटर्न एग्रीमेंट उनमें बहुत होना जरूरी है और उस एग्रीमेंट को हम एल एग्रीमेंट कहते हैं और ये जो हमारा एग्रीमेंट होता है ये दो पार्ट में होता है पहले पार्ट का जो एग्रीमेंट होता है उसमें एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनर्स का आपस में ठीक है पार्टनर्स का आपस में एक एग्रीमेंट किया जाता है पहले पार्ट में और सेकेंड पार्ट में जो एग्रीमेंट होता है वो पार्टनर्स का एल के साथ होता है ठीक है तो दो पार्ट में होता है ये एग्रीमेंट नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर अब एल जो है वो खुद तो काम नहीं कर सकती है ना तो फिर कुछ पार्टनर्स होने चाहिए डेजिग्नेटेड किए हुए होने चाहिए जो काम करेंगे क्लियर तो इन एल एल पी देर शुड बी एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कम से कम दो पार्टनर्स डेजिग्नेटेड होने चाहिए देखो मैं कम से कम बता रही हूँ ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो होने चाहिए और उन दोनों में से एक कम से कम इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए ठीक है ज्यादा हो सकता है कि दोनों ही रेजिडेंट हो लेकिन एक होना बहुत जरूरी है क्लियर डेजिग्नेटेड पार्टनर इज वन कौन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसका नाम लिखा जाता है इन कारपोरेशन डॉक्यूमेंट में ठीक है जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसका नाम मेंशन किया जाता है कि ये जो पार्टनर है ये हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है और डेजिग्नेटेटेड पार्टनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए मींस जो एलएलपी एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं क्लियर नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको डी भी बोलते हैं अब अब आप लोग कहोगे कि मैम हमारी बुक में तो डीआईएन नंबर है तो कंफ्यूज नहीं होना किसी बुक में डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी गिवन है एक्चुअली ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उन्होंने कंपनी से लिया है कंपनी में होता है डायरेक्टर्स को मिलता है डीआईएन नंबर तो कई बुक में वैसे भी छप गया है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है वही चीज है ये एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज़ टू ऑपटेन एन आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है किससे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं हम डी पी आई एन बोलते हैं अगर तो पार्टनर के पास पहले से डी पी आई एन है तो वो उसे एल एल पी में यूज कर सकता है नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एल अब एल को रजिस्टर करना जरूरी होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं जैसे कि ई फॉर्म वन ई फॉर्म टू और ई फॉर्म थ्री ठीक है और इन फॉर्म्स को हमें ऑनलाइन सेंड करना पड़ता है दे हैव द सिग्नेचर्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अब इसमें जो है ये ऑनलाइन फॉर्म है तो इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं तो अब इन फॉर्म्स पे सिग्नेचर मैनुअली तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन भेजे जाते हैं तो जो सिग्नेचर्स uh, होते हैं इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर्स होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ये मैं पॉइंट आपको पहले ही बता चुकी हूं यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कि एल एल पी आई ही लाइबिलिटी लिमिटेड के साथ थी ठीक है ना क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप में तो सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी तो इसमें क्या है पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है एवरी पार्टनर हैज हिज लायबिलिटी लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम जितनी इन्वेस्टमेंट उसने करी है उतने तक की ही उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी उससे ज्यादा उससे रिसीव नहीं किया जा सकता बिसाइड्स एवरी पार्टनर इज रिस्पांसिबल फॉर हिज एनी ऑफ द मिसकंडक्ट रादर देन द एनी अदर पार्टनर अब आप लोग कहोगे कि भाई पार्टनर की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो अब तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है कि भाई मेरी कौन सा पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेगी मैं तो कुछ भी फ्रॉड कर सकता हूं कंपनी में जो भी जिम्मेदार होगी एलएलपी खुद होगी मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है अगर पार्टनर कोई फ्रॉड करता है या मिसकंडक्ट करता है तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है ठीक है और उस केस में वो पार्टनर खुद ही अकेला जिम्मेदार होता है उसका असर बाकी पार्टनर्स पे नहीं पड़ता बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहती है लेकिन जो गड़बड़ करता है फ्रॉड करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है ये इसलिए किया गया है ताकि कहीं एल एल पी की आड में कोई भी जो पार्टनर है वो गलत करने की कोशिश ना करे कि भाई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को तो कोई नुकसान नहीं है मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ तो इस चीज को बचाने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन कॉन्ट्ररी टू द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इन एल एल पी ऑल दार्टनर्स अपेरेंटली कैन बी पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ठीक है कंपनी में क्या होता है शेयर होल्डर्स होते हैं और वो ओनर्स होते हैं लेकिन यहाँ पे जो है पार्टनर्स होते हैं और वही पार्टिसिपेट करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में इन अ कंपनी अपेरेंटली द शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी अ पार्टनर्स इन अ कंपनी बिजनेस ठीक है तो कंपनी में शेयर होल्डर्स मैंने अभी आपको बताया कि वो ओनर्स होते हैं वो पार्टनर्स नहीं होते हैं और कंपनी को चलाता कौन है वो डायरेक्टर्स चलाते हैं शेयर होल्डर सिर्फ ओनर होते हैं लेकिन यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं वही चलाते हैं और वो साथ के साथ एलएलपी में पार्टनर्स भी होते हैं पार्टिसिपेट भी करते हैं सारी चीजों में डिसीजन मेकिंग में कौन पार्टनर्स नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी ये वाली फीचर कंपनी से ली गई है एल की कि जैसे कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है उसी तरीके से एल की की भी अपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इट इंप्लाइज दैट एल एल पी एंड सेपरेट एंटिटी मतलब दोनों अलग अलग हैं मेंबर्स उसके है और एल एल पी की अपनी पहचान अलग है इट मीन दैट द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म नीदर इंडिविजुअली नॉर कलेक्टिवली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइबिलिटीज क्रिएटेड बाई द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म मतलब फर्म की एक्टिविटीज के लिए पार्टनर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मीन्स उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर वो काम अच्छे से करते हैं अगर वो फ्रॉड करते हैं फिर तो वो हो ही जाएंगे रिस्पॉन्सिबल इट इम्प्लाईज दैट द फर्म कैन हैव एसेट्स इन इट्स ओन नेम इसका मतलब ये है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि फर्म के जो है वो अपने एसेट्स होंगे वो अपने नाम के अंडर एसेट्स खरीद सकती है और वो सूट भी फाइल कर सकती है कल को अगर किसी पे केस करना हुआ तो एल खुद अपने नाम से केस फाइल किया जा सकता है और एल एल पी एल एल पी पे भी केस जो है वो फाइल हो सकता है मतलब वो खुद भी कर सकती है और उस पर भी हो सकता है क्यों क्योंकि उसकी एक अपनी पहचान है सेपरेट लीगल एंटिटी है क्लियर नेक्स्ट इज क्रिएशन एलएलपी जो है वो लॉ की तरफ से क्रिएट की जाती है और जो हम आ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो पार्टनरशिप पढ़ते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर क्रिएट होती है लेकिन ये लॉ से क्रिएट होती है एंड इट्स रजिस्ट्रेशन इज मस्ट इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होती है जो कि हम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप पढ़ते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है आप करा भी सकते हो आप नहीं भी करा सकते लेकिन एल में जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी होती है और कैसे की जाती है कौन से प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं एलएलपी एक्ट 2008, 2008 में जो है वो जो प्रोविजंस गिवन है उसी के अंडर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है क्लियर नेक्स्ट इज प्रिपीचुअल सक्सेशन प्रिपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी ठीक है तो ये फीचर भी कंपनी की ही ली गई है एल ने कंपनी की ही ली गई है ली है तो इसमें क्या है एल एल पी का प्रिपिचुअल सक्सेशन होता है हम पुरानी पार्टनरशिप में क्या पढ़ते थे कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या एक पार्टनर चला जाता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है डिजॉल्व हो जाती है खत्म हो जाती है लेकिन एल पे कोई असर नहीं करता पड़ता चाहे ओल्ड पार्टनर्स जाएं और नए पार्टनर्स आए मतलब ओल्ड हैं नए आते रहते हैं उसका एलएलपी पे कोई असर नहीं होता जैसे कि कंपनी पे कोई असर नहीं होता है ठीक है तो एलएलपी में पी सक्सेशन होता है और ये फीचर जो थी वो हमारी पुरानी पार्टनरशिप में नहीं थी नेक्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट ऑब्वियसली जो एल है वो हमारी आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ है तो इसलिए वो एक बॉडी कॉरपोरेट है क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है उसकी अपनी एंटिटी है ऑन द बेसिस द फॉलोइंग कैन बी बॉडी कॉरपोरेट कौन कौन से हैं बॉडी कॉरपोरेट बॉडी कॉरपोरेट वही हो सकता है जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको हम बॉडी कॉरपोरेट कहते हैं जैसे कि कंपनी हो सकती है कंपनी होती है फॉरन कंपनी होती है कॉरपोरेशन होता है स्टेचुटरी कंपनी होती है और एल भी हमारी बॉडी कॉरपोरेट होती है जबकि हमारी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है और सोल ट्रेडर जो है वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है क्यों क्योंकि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है नेक्स्ट इज कॉमन सील ये फीचर भी कंपनी से ही ली गई है LLP, अब हम सबको पता है एक बॉडी कॉर्पोरेट है एक आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ है है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी तो आर्टिफिशियल पर्सन है वो अपने साइन तो खुद नहीं कर सकती ना तो इसीलिए एल एल पी की एक कॉमन सील बनाई जाती है और ये जो सील होती है एक तरह से ऑफिशियल सिग्नेचर मानी जाती है एल एल पी की और इसे हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एल एल पी का होता है उसके ऊपर अफेक्ट किया जाता है ठीक है उससे ये प्रूफ होता है कि एल एल पी के सिग्नेचर है क्लियर सो आई होप आपको एल uh, एल का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अगर आप चाहते हैं कि मैं एल का आगे प्रोसीज़र क्या है कि कैसे फॉर्म फॉर्म होती है और एल के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो भी कवर अप करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हाँ अगर आपको कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ इसे शेयर करिए लाइक करिए सो थैंक यू